नमस्कार, मैं रंजा सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर में महिला सुरक्षा के लिए 1090 प्रचार वाहन का एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने शुभारंभ किया। नारी सशक्तिकरण के लिए जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं को प्रचार वाहन से जानकारी मिलेगी और उत्तर प्रदेश सरकार की 1090 योजना से महिलाओं को कितनी सुरक्षा और सम्मान मिला है उसकी जानकारी इस प्रचार वाहन से महिलाओं को मिलेगी। बिजनौर रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन शहर कस्बों और बाजारों में घूम घूम कर महिलाओं को जागरूक करने का काम करेगा। बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा एक एलईडी वैन प्रोवाइड किया गया है कई जनपदों में, जिसमें एक बिजनौर जनपद है। एडीजी महिला एवं सुरक्षा संगठन ने फ्लैग ऑफ किया है और एक गाड़ी बिजनौर में आ चुकी है, जो 1090 से संबंधित प्रचार सामग्री का प्रचार प्रसार होगा। इसमें महिलाओं से, बच्चियों से अनुरोध है कि उनके खिलाफ जो भी उत्पीड़न, छेड़खानी या किसी प्रकार का अपराध होता है, 1090 पर वो सूचना दें। पुलिस उस पर तत्काल त्वरित कार्रवाई करती है। 112 की तरह है, 1090 है, इसका इस्तेमाल करें। यह वाहन प्रत्येक दिन रूट निर्धारित रूट पर प्रचार प्रसार करेगी, लोगों में जागरूकता फैलाएगी और उम्मीद है कि इससे महिलाओं में, बच्चियों में, लोगों में एक सुरक्षा के प्रति कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी एवं समाज में एक अच्छा वातावरण जाएगा। बिजनौर की सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।